हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया SMMK में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे AKTU यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश के बारे में। AKTU से संबंधित छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है, तो आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो इस रेड आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और इस बेल आइकन को दबा लिए। उससे फायदा ये होगा नेक्स्ट टाइम जब भी हम AKTU से रिलेटेड वीडियोज अपलोड करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहां पर आप लोग ये न्यूज पढ़ सकते हैं, परीक्षा सिर पर, छात्रों को पैटर्न तक पता नहीं। जी हां दोस्तों, यानी कि जो फाइनल ईयर के एग्जाम्स हैं वो 1 सितंबर से होने वाले हैं और छात्रों को पैटर्न तक पता नहीं है कि उनका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या होगा। AKTU ने संबंध कॉलेजों को सूचित किया मगर कॉलेजों ने छात्रों को नहीं दी जानकारी। लखनऊ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रावधिक विश्वविद्यालय AKTU के संबंध कॉलेजों की लापरवाही यहाँ के छात्रों पर भारी पड़ रही है। विश्वविद्यालय की फाइनल ईयर की परीक्षाएं 1 सितंबर से प्रस्तावित हैं, लेकिन अभी तक काफी छात्रों को परीक्षा के बदले पैटर्न की जानकारी ही नहीं है। विश्वविद्यालय ने एकेडमिक काउंसिल के निर्णय से कॉलेजों को तो अवगत करा दिया, उनकी सहमति ले ली, लेकिन कॉलेजों ने इसकी सूचना विद्यार्थियों को नहीं दी। दरअसल कोरोना संक्रमण के कारण बदली हुई परिस्थितियों में विश्वविद्यालय ने 2 घंटे के पेपर कराने, 3 पालियों में परीक्षा कराने और परीक्षा MCQ पैटर्न पर आयोजित कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक ने 100 से अधिक कॉलेजों को निर्देशक के साथ पहले बैठक की और फिर एकेडमिक काउंसिल ने इस पर निर्णय लिया। कुछ कॉलेजों के निर्देशक एकेडमिक काउंसिल के सदस्य भी हैं। बैठक में उपस्थिति होने के बाद भी उन्होंने अपने कॉलेजेस को विद्यार्थियों को इसके जानकारी नहीं दी, यानी कि इससे अवगत नहीं कराया। जो आपके एग्जाम्स हैं फाइनल ईयर के, वो आपके 1 सितंबर से होने वाले हैं और जो आपका एग्जाम होगा वो 2 घंटे का होगा, जिसमें आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, मगर इसकी जानकारी कॉलेजेस ने स्टूडेंट्स को नहीं पहुंचाई। कई छात्र बदलाव से अनजान, जिन्हें जानकारी, वे मॉडल पेपर के लिए परेशान। कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि जब वे अपने कॉलेजेस में संपर्क करते हैं तो उनसे कहा जाता है कि विश्वविद्यालय में जब कोई आदेश आएगा तो इसकी जानकारी दे दी जाएगी, जबकि विद्यार्थियों के व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं और उनके ईमेल ID मोबाइल नंबर आदि भी हैं। वहीं जिन छात्रों की इसकी जानकारी है वे MCQ पेपर के मॉडल पेपर के लिए भटक रहे हैं। वे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस पैटर्न की तैयारी कैसे करें। सबसे ज्यादा परेशान फार्मा बी आर्क वे MBA के स्टूडेंट हैं। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालय ने अभी अपने वेबसाइट पर तो इससे जुड़ा सर्कुलर डाला नहीं, ना ही विद्यार्थियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जानकारी दी है। जी हां दोस्तों, यानी कि स्टूडेंट्स को अभी तक AKTU ने या फिर कॉलेजेस ने ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दी है। यहां पे आप लोग ये भी पढ़ सकते हैं, फिर से देंगे कॉलेजेस को निर्देश। एकेडमिक काउंसिल में MCQ पैटर्न का निर्णय हुआ है। इस समय जो भी परीक्षा हो रही है सभी MCQ पैटर्न पर होगी। काउंसिल से पहले कुलपति ने कॉलेज निर्देशकों के साथ बैठक की थी जिसमें 100 से अधिक निर्देशक शामिल हुए थे। कॉलेजेस को बाद में भी अवगत कराया गया था, एक-एक विद्यार्थियों को इसके बारे में सूचित करना संभव नहीं है। कॉलेजेस को फिर से इसके लिए निर्देश किया जाएगा। प्रोफेसर राजीव कुमार परीक्षा नियंत्रक AKTU। जी हां दोस्तों, यानी कि जो आपके एग्जाम है फाइनल ईयर के वो 1 सितंबर से होंगे और जो आपका एग्जाम है वो 2 घंटे का होगा और जो पैटर्न होगा वो होगा MCQ बेस्ड। यहाँ पे हमने आपको वीडियो में बता दिया है और अधिक जानकारी के लिए आप लोग अपने कॉलेज में भी संपर्क कर सकते हैं और आपके 1 दिन में 3 पेपर कराए जाएंगे फाइनल ईयर के। यहाँ पे आप लोग ये भी पढ़ सकते हैं, AKTU इंटर्नशिप कार्यक्रम के आवेदन 23 तक, ये आप लोग खुद पढ़ लिया। अगर मैं आपको ये पढ़ के सुनाऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी और जो आपके एग्जाम है वो आपके 1 सितंबर से कराए जाएंगे फाइनल ईयर के। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।